हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीडर ऑफ टीचर्स 1111। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ रीडिंग आने वाली वीक की और बताने की कोशिश करूँगी 29 से 4th ऑफ सितंबर आपके लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है और क्या ब्लेसिंग है जो आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो आज की ये जो रीडिंग है ये मैं करने वाली हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, यानी कि एक्वेरियस के लिए, और बताऊँगी कैसा रहेगा आपके लिए ये आने वाला हफ्ता। रीडिंग शुरू करने से पहले बता देना चाहूँगी, जनरल रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करती है उतना रख सकते हैं, बाकी जाने दे सकते हैं। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहती है। थैंक यू। Let's see, Aquarius, Queen of Cups, alright, तो सबसे पहली एनर्जी जो आपके लिए चैनल हो रही है Aquarius कुंभ राशि वालों, वो ये है कि आपको कहीं ना कहीं सेल्फ लव की ज़रूरत है। आप जो प्यार किसी और में ढूंढ रहे हैं, आप जो प्यार किसी और से पाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके अंदर भी छुपी है। आप दूसरों को प्यार करने के चक्कर में खुद से प्यार करना भूल जा रहे हैं। तो सबसे पहली एनर्जी जो क्वीन ऑफ कप्स की आई है, ये कहीं ना कहीं बता रही है एक सेल्फ लव के बारे में। ये हफ्ता हो सकता है आपके लिए कि आप कहीं बाहर जाने की सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाने का प्लान कर सकते हैं। और ये कार्ड ये कहीं ना कहीं मुझे चैनल मैसेज ये भी दे रहा है कि खुद को पैम्पर कीजिए, खुद से प्यार कीजिए। जिस दिन आप खुद से प्यार कीजिएगा ना, लोग आपसे प्यार ज़रूर करेंगे। जो प्यार, जो विश्वास, जो हमदर्दी आप दूसरों से मांग रहे, कहीं ना कहीं पहले आप वो खुद को दीजिए, क्योंकि आप बहुत खूबसूरत है, आप बहुत परफेक्ट है। बस कहीं ना कहीं आपका दिल इसीलिए दुखता है, आप कहीं ना कहीं दर्द में इसीलिए रहते हैं क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आपको मिसजज करते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी आपके लिए अगले वीक के लिए यही आई है कि सेल्फ लव पर बिलीव कीजिए। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम हो, आपको पता हो, या फिर सोलमेट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके प्यार के लिए भी आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही है। वाओ, वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके वर्क और करियर के लिए हफ्ता बहुत ही अच्छा है। कोई अगर टारगेट आपको दिया गया है वो आप सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। कुछ लोगों को अप्रेजल मिल सकता है, कोई रिकॉग्निशन मिल सकता है अपने किसी सीनियर से इस हफ्ते। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि जो भी चैलेंजेस हैं आपकी ज़िंदगी में, जो भी कहीं ना कहीं चाहे आपके वर्क और करियर में हो या पर्सनल लाइफ में हो, उसको आप ओवरकम करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो। मुझे ये कार्ड ये भी कहीं ना कहीं बता रहा है कि आप जिस रास्ते पर लीड कर रहे हो, आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके अच्छाई की तरफ जा रहा है। तो आप इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि क्या कठिनाई आ रही है। अगर आपको कठिनाई होती है, अगर आपको तकलीफ होती है, तो यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करेंगे और डिवाइन को सरेंडर करेंगे, आपका रास्ता और भी आसान हो जाएगा। आप अगर एक स्टूडेंट है और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं बताना चाहूँगी आपके स्टडी वर्क में हो सकता है कि आप किसी चीज़ का अगर सर्च कर रहे थे ऑनलाइन, अगर आप रिसर्च कर रहे थे किसी चीज़ों को, या फिर कोई भी अपने वर्क और करियर को लेकर थोड़े वर्डिट थे, तो मुझे लग रहा है ऑनलाइन इसका सोल्यूशन आपको मिल सकता है। कोई रिसर्च प्रोजेक्ट हो सकता है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं बाहर जाना चाहते हैं देश से पढ़ाई करने के लिए। हो सकता है आप आईएलटीएस के एग्ज़ाम दे रहे हो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो। तो मुझे ये कार्ड भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आप ग्रैब करने वाले हो, और कहीं ना कहीं विक्ट्री भी आपकी होने वाली है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि आपकी एज कम हो, सारे लोगों की तो नहीं हो सकती, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जिनकी एज कम है,
30 से नीचे हो सकता है, 25 से नीचे हो सकता है, कहीं ना कहीं आपका दिल बहुत साफ है, मन बहुत साफ है। और मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, जिस पर्सन को लेकर हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो, उस पर्सन के साथ आपकी कम्युनिकेशन जो है ऑनलाइन हो सकती है इस हफ्ते। हो सकता है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो, बहुत दिन से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, ऑन एंड ऑफ आपका रिलेशन चल रहा है, तो यस मुझे दिख रहा है कि आप बात करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, अट्रैक्शन बहुत है, अट्रैक्शन वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा रहेगी आपके लिए इस हफ्ते। मुझे ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी इंडिकेशन और मैसेज आपके लिए दे रहे हैं कि आगे बढ़िए। ऑलराइट, आगे बढ़िए, सेल्फ लव को एक्सेप्ट कीजिए। ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड है आपके लिए, तो यूनिवर्स भी आपसे इतना ही कहना चाहती है कि पीछे मुड़कर मत देखिए कि क्या हो रहा है, आपका काम है आगे बढ़ना। आप अगर सही रास्ते पर चल रहे हैं, सही आपका इंटेंशन है, तो आपके लिए सब कुछ अच्छा है। पर्सनल लाइफ के लिए मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि कोई पर्सन तो ज़रूर है जिसको लेकर आप फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्ट फील कर रहे हो, तो हो सकता है इस पर्सन को लेकर आपकी इंटेंसिटी और ज़्यादा बढ़ जाए। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में भी है और इस पर्सन से कहीं ना कहीं आप जुड़ना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो कुछ लोग के लिए रीयूनियन भी इस हफ्ते पॉसिबल है। वाओ, वी हैव टू एसेस, एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं हमें ये बता रहा है आपके लिए कि क्लैरिटी। अगर कोई काम आप दूसरे से करवा रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो यूनिवर्स कह रही है कि इस हफ्ते उस काम को खुद से देखिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होइए, अपने काम को खुद कीजिए। आपके अंदर जो भी डाउट्स हैं या फिर जो भी अगर मिसकंसेप्शन है, उसमें क्लैरिटी सिर्फ आपको आप ही से मिल सकता है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि अगर कोई ऑब्स्टेकल्स रहे हैं वो भी क्लियर आउट होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनसे भी ऑनलाइन मुलाकात हो सकती है आपकी। किसी जॉब को लेकर, किसी नई अपॉर्चुनिटी को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, उसमें भी आपकी विक्ट्री होती हुई नज़र आ रही है। बॉटम आया है आपके लिए हेरोफेंट, और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये बताता है कि डिवाइन की ब्लेसिंग है आपके साथ, डिवाइन कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़े हुए, और डिवाइन आपसे यही कहना चाहते हैं कि मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने से ही आपको हर चीज़ का सॉल्यूशन भी मिलेगा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो किसी पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को एक नए स्टेप पर बढ़ाना चाहते हैं, तो कुछ लोग का मुझे एंगेजमेंट फिक्स होता हुआ और शादी फिक्स होती हुई भी नज़र आ रही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वर्क और करियर या फिर पर्सनल लाइफ में कोई भी क्लैरिटी चाहिए, तो ये वीक आपको यही बताना चाहती है कि दूसरों पर डिपेंड होने के बजाय खुद पर डिपेंड होइए। कोई अगर काम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो ऑनलाइन उस चीज़ को सर्च कीजिए, आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूंढ सकते हैं। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको। अर्थ एंड ग्राउंड, तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा कामली, थोड़ा पेशेंसली जो है बिलीव कीजिए यूनिवर्स को, थोड़ा मेडिटेशन, योगा पर ध्यान दीजिए। अगर आपका मन नहीं लगता, अगर आपको लगता है आपके काम में आपको बेचैनी होती है, चीज़ें जो हैं बिल्कुल सही हो जाएंगी। कंपोजर, कहीं ना कहीं आपका मन थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा इंटेंस है आपकी एनर्जी, थोड़ा आपका मन विचलित है किसी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि ज़्यादा हड़बड़ी से भी चीज़ें नहीं बनती है, जो जब डस्टाइन होता है तभी आपको मिलता है। लेट्स सी वन मोर कार्ड, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी एंड चेंज, यस आपके लिए, जैसे कि मैंने इस कार्ड को देखकर ही बोला था सिक्स ऑफ सोर्स को कि यस आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, कुछ बदलाव आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, और कहीं ना कहीं इस बदलाव का कारण आप खुद ही हो सकते हो। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग, होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टेक केयर।